क्या यार ये सप्रिया, हर टाइम फोन पे लगे रहना। 10 बार समझाया है कि एक बार में एक काम किया करो। अब क्या हुआ? ये क्या बनाया है? सब्जी में नमक ज्यादा, आलू कच्चे, ये खाना है? इंसान थका आ रहा है, उसको एक टाइम का खाना भी नसीब ना हो। देखो सूरज, मैंने तुम्हें शादी से पहले ही साफ साफ बोल दिया था कि मुझे खाना बनाना नहीं आता। तब तो तुमने कहा था कि ठीक है, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर अब ये नाटक क्यों? नाटक मैं कर रहा हूँ? तो ये नाटक नहीं है तो क्या है? मैं भी तो यही खाना खा रही हूँ ना। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम भी बोला था कि घर में नौकर ले आओ, लेकिन तुम हो कि तुम्हारे कानों पे जू ही नहीं चलती। नौकर के लिए मैंने कहाँ कहाँ ट्राई नहीं किया, हर दूसरे बंदे से पूछता हूँ नौकर के लिए, लेकिन कोई ढंग का मिले तब तो। पानी तो देना। अभी भी नाराज हो क्या? तुम्हारे लिए गुड न्यूज़ है, मैंने अपने क्लर्क से बात की है, वो कल नौकर भेज रहा है। सच्ची? थैंक यू, आई लव यू सो मच। क्या मुसीबत है यार, बीवी अलग रुकी हुई है, ऑफिस की टेंशन अलग, बेटी टेंशन अलग, सारा दोनों खत्म हो गया, ये नौकर अलग नहीं मिल रहा यार। अभी कौन आ गया यार? कौन है? नमस्ते साहब। सूरज साहब घर पे? तुम कौन? साहब मेरा नाम राजू है, मुझे आशीष साहब ने भेजा। अच्छा अच्छा, आशीष जी ने। चप्पलें आओ कर दो। कहाँ तक पढ़े हो? सर आठवीं तक। अच्छा अच्छा अच्छा, मुंबई में कब से हो? 5 साल से। बढ़िया। अच्छा एक काम करो, दो बढ़िया चाय बना दो। जी सर। और हाँ, प्याज रखे होंगे वहां, उसका पोहा बना देना, ठीक? जी सर।
सब चल। मैडम चाय। तुम? मैडम मैं राजू आपका नया नौकर। ओह ठीक है राजू, तुम किचन में जाकर मेरे लिए नाश्ता बनाकर लाओ। किससे बातें कर रही हो? अरे किसी से नहीं, मेरी एक फ्रेंड है कोमल, बस उसी से चैटिंग कर रही हूँ। क्या कह रही है? कुछ नहीं, तुम सो जाओ। इतनी भी जल्दी क्या है? छोड़ो ना यार, बस तुम्हारा नाम ही सूरज है, 2 मिनट के बाद तो तुम चांद की तरह ठंडे पड़ जाते हो। और तुम्हें कितनी बार बोला मैंने कि तुम किसी डॉक्टर के पास जाओ दिखाओ, लेकिन तुम हो कि मेरी बात सुनते हो? कोई नहीं बेबी। बोला ना, अभी सो जाओ। राजू। जी मैडम। एक गिलास पानी लाओ। लाया। मैडम पानी। अच्छा ठीक है, तुम काम खत्म करके आराम करो और कोई भी जरूरत हो तो मुझे बता देना। साहब एक बात कहनी थी। बोलो। साहब वो पैसों की जरूरत थी मुझे। अभी तो मैंने तुम्हारी सैलरी दी 1 हफ्ते पहले। नहीं वो क्या है ना साहब कि मेरी माँ की तबीयत बहुत खराब है, उसे एक अच्छे डॉक्टर को दिखाना है तो कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। अरे तो मैं क्या करूँ तुम्हारी माँ की तबीयत खराब है? देखो भैया यहाँ एडवांस वाला चक्कर नहीं चलता, सैलरी टाइम पे मिलेगी तुम्हें। और हाँ मन हो करो नहीं तो जा सकते हो। Thank you.
करूंगा राजू, बड़ी उदास लग रही है। अच्छा कल तुमने सूरज से पैसे मांगे थे, उसने तुम्हें देने से मना कर दिया, ठीक है? कितने पैसों की जरूरत है तुम्हें? मैं देती हूँ। अच्छा एक मिनट रुको, मैं लेकर आती हूँ। आप खुश? थैंक यू मैडम। आपका एहसान कभी नहीं है। अरे इसमें थैंक यू और एहसान की क्या बात है? और तुम अपना काम कितने अच्छे से करते हो। बस तुम ऐसे ही मेरे काम आते रहो और मैं तुम्हारे। मैं समझ रही हूँ, धीरे धीरे सब समझ जाओगे। आप बहुत अच्छे हो। तुम भी तो बहुत अच्छे हो, कितना मन लगाकर अपना सारा काम करते हो। मैं अच्छी हूँ इसलिए तुम्हें पैसे मिले। आगे जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लूंगा। साहब क्यों गुस्सा कर रही हैं? उनको इस बात का पता चलेगा तो ना। ये बात हम दोनों के बीच में रहनी चाहिए, ना तो मैं सूरज को बताऊंगी और ना तुम बताना। आपको पता नहीं है, इस रुपए जब मेरे माँ को मिलेंगे तो बहुत खुश होगी। अच्छा अपना काम खत्म करो और जब भी कोई जरूरत हो तो बताना मुझे। राजू। यस मैडम। मेरे लिए एक कप कॉफी लेकर आओ, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है। मैडम कॉफी। मिला मैडम? नहीं राजू, मेरा एक काम करोगे? जी हाँ बोलिए। मेरे सर में थोड़ा मसाज करोगे, शायद उससे कुछ आराम लग जाए। मसाज? हाँ क्यों, क्या हुआ, नहीं करनी आती? नहीं मैडम, वो ठीक है मैडम। मैं तेल लेकर आता हूँ।
अरे अरे बैठो बैठो बैठो। मिले मैडम? हाँ बड़ा अच्छा लग रहा है। अरे मेरे गांव में ना जब मेरे दादाजी का सर दुखता था तो मैं ऐसे ही चंपी किया करता था। तो कभी कभी हमारे सर में भी कर दिया करो। क्यों नहीं मैडम? तुम्हें पता है जब से तुम घर में आई हो ना तुम खुश सा रहने लगा है। वरना सूरज के पास तुम्हें लिए टाइम ही नहीं। मुझे भी आप बहुत पसंद है। तुम भी बहुत अच्छे हो। बस बहुत है। साथ। साथ। नमक हराम साले चले यहाँ से। तुझे तो मैं बाद में देखता हूँ। तुझे इसलिए चाहिए था ये नौकरी है? नहीं, नहीं सूरज मेरे पास सुन। सुनित ऐसा कुछ नहीं है। सुनने के लिए नहीं क्या किया है? सब कुछ तो दिखा दिया तूने। नहीं नहीं सुनित ऐसा कुछ नहीं है। कत्तार साली तुमने पति की नहीं हुई किसकी होगी? धोखा देगी साले से निकलता हूं।